अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजरियस टू हेल्थ, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेरे संपन्न हुए अब आज से आप पति पत्नी हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अरे भी दे 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 दे। अरे मुबारक हो साले साहब। हो गया। मुबारक हो आपको भी जिया जी। इसे संभाल कर रखना बेटा। शाम बाबा तेरा ख्याल रखेंगे। सुखी रहो बेटा सुखी रहो। चलो चलो। अच्छा ताराचंद जी इजाजत दे। अच्छा भाई साहब चलो बेटा। चलो जग्या मेरे पीछे आना संभाल के चलाना। खुश है ना शांति। तो बहुत अच्छी है और बहुत ही खूबसूरत। मने तो बहुत पसंद आई। हाँ। अब लाली पाउडर लगाने से तो कमली की छोटी भी सुंदर लगेगी बुआ जी। ये कमली कौन है? कमली हमारी काम वाली, उसी की तो छोरी की बात कर रही है। सारी बातें यहीं करोगी या इसे अंदर भी लेकर आओगी? जी अंदर लेकर आओ, सिरगुथी की रस्म करनी है। चलो चलो।
छोड़ना, मुझे करने दे बीच में बात। देख ऐसे नहीं, ऐसे। पहले बेचा अमिताभ ने कूल, उसके बाद बेचा शाहरुख ने कूल, उसके बाद गोविंदा ने बेचा कूल कूल, और अब मैं लाया हूँ अपने लाले की लाली के लिए ठंडा ठंडा कूल कूल नारद मुनि तेल। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ, देखो मौका ढूंढते रहते हो औरतों के बीच घुसने का। चुप कर। ओ, मेरी खुशी मेरा गम, कुछ तो कर शर्म। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? उधर देखो, महाराज को कुछ सामान चाहिए, जाकर दे दो उसे। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। सुईया के ससुर आकर खड़ा होने के सर पे सवार बोला। अब कुछ नहीं बोला मैं तो ये बोल रहा था कि जो ससुर का प्यार होता है ना, बिल्कुल माँ के प्यार की तरह होता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोला। बहरा नहीं मैं, सब सुनाई देता है मुझे। काम के न काज के, सौ मन अनाज के। हाँ, तभी तो ये सौ मन की जो बोरी है ना अनाज की, इसको लेके घूम रहा हूँ। अपनी उम्र तो देख, मत मारी गई थी इसकी जो इसने तुझ जैसे को चुन दिया। वैसे ससुर जी एक बात बोलूं, ये जो नारद मुनि तेल है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, इसकी आपको जरूरत है। ठंडा ठंडा कूल कूल इसको सर पे लगाइए, मस्त हो जाइए। अरे भाभी, क्या हुआ भाभी? रानी, भाभी क्या हुआ? भाभी आप ठीक हैं? रानी क्या हुआ? भाभी, रानी, दीदी, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? भाभी, अरे उठो, दीदी क्या हुआ? भाभी, पता नहीं, पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ खुशी? क्या हुआ? हाँ, तुम डॉक्टर को फोन करो, फोन करो। क्या हुआ तुम्हें? भाभी, चक्कर आ रहा था। हाँ, सब ठीक हो जाए। हेलो, डॉक्टर आरती। लंबी सांस लो। इसे कहते हैं मनहूस कदम, चौखट पे कदम रखा के नहीं और बस। माँ, इट्स अ मिरेकल। ये कौन सी नई बीमारी है? आप सबको मुबारक हो, इस घर में 8 साल के बाद खुशी आई है। रानी, रानी माँ बनने वाली है। Congratulations भैया। भाभी, मुबारक हो। सर ढक के रखा कर लड़की। कैसे हो आप? अब आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं आ पाई। एनीवेज कांग्रेचुलेशन। बेटा उठो, यहाँ औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। चलो, जाना जरूरी। बेशरम, निकल, आजकल के बच्चे। चल। जा खुशी बेटा, गरीबों में बांटते हैं। जरूर मम्मा। बहू देखा, ये सब गुरुजी की कृपा है। बाबा श्याम, ये तो बापी की मेहरबानी है, इस घर पर हमेशा ऐसे ही खुशियां बनाए रखना, हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहना। ए बहू, ये सब क्या है और ये फोटो किसकी है? जी माँ जी, श्याम जी की। कौन है श्याम जी? वो खाटू वाले श्याम जी। अरे तो इसे क्यों धर दिया इसे यहाँ पे? माँ जी, ये भी तो भगवान है। क्या हुआ मीरा? माँ क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे मैंने तुझे पहले बोला था कि मेरे जीजा के बड़े भाई बिरजू के बेटी की शादी कर ले, लेकिन नहीं। खाता पीता खानदान है, रिश्ते में है, लेकिन नहीं। तुझे चाहिए थी ये भजन मंडली वाली लड़की, है ना? अब तू ही झेल। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि ये जगह हमारे गुरु जी की है। प्रेम उसे समझा दे कि कोई राम जी हो या श्याम जी, हमारे घर में उसकी पूजा नहीं होती। अरे अगर गुरुजी को पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश नहीं मम्मी जी, महासत्यानाश।
ये तो इस लड़की की किस्मत अच्छी है कि हमारे गुरुजी शिव जी की तलाश में हिमालय की चोटी पे चले गए हैं। लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना मम्मी जी, वहां से सीधा हमारे घर में ही आएंगे। चल जाके सोते हैं। चल चल। माँ, अगर मीरा श्याम जी में आशा रखती है तो रखने दो ना, कौन सा तूफान आ जाएगा। तू चुप कर, घर के नियमों को तोड़ने की कोशिश मत कर। और तू मेरा खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, उठाती है यहां में से। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रेम, तू उसे समझा दे कि घर के नियमों कानून को बदलने की कोशिश ना करे। और आप मेरी बात कान खोल के सुन लो। इसको तो आपने सर चढ़ा रखा है, लेकिन उस बहू को भी समझा दो कि घर के मामले में टांग ना अड़ाए तो अच्छा होगा। चल। जी माँ जी। जा देख, बहू रो रही होगी, समझा दे उसे। जी पिताजी। ओ श्याम मेरे श्याम। मीरा, मीरा इट्स ओके, संभालो अपने आप को। माँ का नेचर ऐसा ही है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। वो तो ठीक है, पर मेरी श्याम जी वो कहाँ रहेंगे? भगवान श्याम तो मीरा के दिल में बसते हैं। माँ का विश्वास गुरुजी पे ज्यादा है। अगर वो नहीं चाहती कि भगवान की तस्वीर मंदिर में रहे तो कोई बात नहीं, आप ये श्याम जी यहाँ हमारे कमरे में रहेंगे। लाओ ये फोटो मुझे दे दो, दे दो। खुश हो अब? बस बस, ये चार दिन के चोंचले मुझे पसंद नहीं। ये बता, खाना तैयार है या नहीं? जी माँ जी, बस तैयार। ठीक है, लगा दे, मैं भी देखूं कि तुझे कुछ बनाना आता है या नहीं। क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। जी, जी। चलो भाभी देखते हैं। मैंने पहली बार इस घर में खाना बनाया है। सबसे पहला भोग मैं आपको लगा रही हूँ। आप जीमो और मुझे आशीर्वाद दो कि इस घर में मेरा बना खाना सबको बहुत पसंद आए। खाने की खुशबू अलग है, बनाने वाली भी तो अलग है बाबूजी। पिताजी, खाने की नहीं, घी की खुशबू है। गुरुजी को भोग लगाया? क्या माँ, हर वक्त गुरुजी गुरुजी करती रहती हो। ओ तो चुप कर। खुशी, रानी, थाने दोनों को तो पता है ना कि हमारे घर में पहले भोग गुरुजी को लगता है। हाँ माँ जी, लेकिन भोग तो लग चुका है। कब? आज भोग गुरुजी को नहीं श्याम जी को लगा है। अरे श्याम जी, श्याम जी, श्याम जी, तू हमारा सत्यानाश करेगी क्या? और तू तू इसे समझाता क्यों नहीं? दो दिन शादी को नहीं हुए, तेरे दिमाग में गोबर भर गया क्या? क्षमा गुरुजी, क्षमा। खबरदार जो किसी ने ये खाना खाया तो। खुशी, रानी, लो ये खाना गटर में फेंक दो। जी।
पापा, पापा कहाँ हो आप? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? मैंने क्या गलती की है पापा? बचपन से लेके आज तक मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आप तो कलयुग के अवतार हो ना, आर्य का सहारा, सबकी बात सुनते हो। मेरी बात कब सुनोगे पापा? मुझे अपने अपमान का कोई डर नहीं है पापा, पर मैं आपका अपमान होते कैसे देख सकती हूँ? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज पापा, कुछ करो पापा। तुम्हारी दीवानगी और तुम्हारी भक्ति देख के बहुत खुश हूं मैं मीरा। भक्ति भी पुण्य और पिछले जन्मों के कर्मों से मिलती है। सच बोलूं, आई एम वेरी लकी, खुशकिस्मत हूं कि तुम्हारे जैसी पत्नी मिली मुझे। तुम्हारा विश्वास श्याम बाबा पर है और मेरा विश्वास तुम। तुम्हारा भी और तुम्हारा भी। देखो बेटा, ये घर तेरे लिए चिड़ियों का चौबारा है। जहां तक तेरे नसीब में लिखा है, दाना चुगेगी और फिर उड़ जाएगी। कहां? बाबा? हाँ? बाबा क्या बात है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मीरा के बगैर घर सूना लगता है बेटा। पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची, दो ही दिनों में ऐसे लगता है जैसे बरसों बीत गए हो उसे देखे। तू ऐसे कर, कल सुबह ही जा और उसे 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 ले आ जी पगफेरे के लिए। जी बाबूजी। अरे एक काम कर, कुंवर जी को भी साथ ले आना। जरूर बाबूजी। अरे जग गया? जी बाबूजी। गुप्ता जी का फोन था, 5 दिन हो गए अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची। जी बाबूजी, मैं अभी पता करके बताता हूँ। जल्दी पता कर। 4 दिन प्रेम शादी में क्या बिजी रहा, सारा काम उल्टा सीधा हो गया। काय को अपना बीपी बढ़ा रहे हो?
ससुर जी, ये जो अपना लाला है, इसकी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसको हफ्ते दो हफ्ते की छुट्टी दे दो, बेचारा हनीमून मना लेगा। रहा सवाल काम का, मैं हूँ, प्रताप है। प्रताप नहीं ठीक से संभाला होता तो आज ट्रांसपोर्ट की 2 और कंपनियां खुल चुकी होती। आपने बुलाया पिताजी? इनका बस चले तो तुझे हनीमून और मन्ने हरिद्वार पहुंचा दे। कायदे से तो आप दोनों को ही जाना चाहिए बाबूजी, इसे हनीमून और आपको हरिद्वार। रानी तुझे पता है मैं क्या कह रही थी कि वो ऐसे तो अरे बाप रे, अरे अंधी हो गई थी, इसे छोड़। अरे अंधी हो गई थी क्या, दिखता नहीं क्या तेरे को, चलना नहीं आता ठीक से। हे गुरुदेव, यही मिली थी क्या मेरी किस्मत में यहाँ पे? मीरा, डोंट वरी मीरा, जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके। प्रणाम बाबूजी। हाँ, खुश रहो बेटा, कैसे हैं सब? ठीक हैं भाई साहब, कैसे हैं? जी बाबूजी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बस मीरा को बहुत याद करते रहते हैं। प्रणाम बाबूजी। ये लीजिए, श्याम बाबा का 56 बुक का प्रसाद है। श्याम बाबा, अरे तुम लोगों से मिठाई के पैसे खर्च नहीं होते क्या? जो प्रसाद उठा कर लिया है, दे अपने बहन को, किसी को दे। मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि इनके घर में खाना भी नहीं पकता होगा, क्योंकि आजकल हर गली कूचे के अंदर कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं। जिधर कीर्तन और भजन होता होगा, इनका परिवार वहाँ जाके खाना खा भी लेता होगा और घर के लिए लेकर भी आ जाता होगा। ये मिठाई वहीं की है। भोजन के लिए भजन तो करता है, तुम अपने आप को देखो। बाबूजी, मैं मीरा को पग फेरों के लिए लेने आया और बाबा ने कहा था कंवर साहब को भी साथ ले आना। खुशी, तू जा और अपना काम कर जा। प्रेम बेटा, तुझे भी जाना है, जा तैयारी कर। पिताजी, लेकिन ये हिसाब किताब वो मैं कर लूंगा, तू जा चल। खुश रहे। किधर जा, इनका सामान भी तो यही रखवाना है, चल। सूर्या की ससुर है, चल। बाबू, मीरा आ गई। मीरा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबू। बाबू, कैसा है मेरा बच्चा? अरे लूट ले गई रे, बर्बाद कर गई, सारे घर को लूट के ले गई। क्या हुआ मामा, चिल्ला क्यों रही हो? गुरुओं के देव, अब क्या होगा? क्या हुआ माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? हमारे तो कर्म ही फूटे हैं। बता दी, उसके बापू ने उसे क्या घुटनी पिला दी, घर के सारे गहनों पर हाथ साफ कर गई। क्या हुआ शांति? पिताजी, मेरा सारे घर के गहने चुरा कर ले गई। चुरा कर? क्या बकवास कर रही हो? माँ जी सही कह रही है पिताजी, मेरे पे जेवर नहीं है। तेरे जाने के 3 दिन बाद तक घर में चूल्हा ही नहीं जला। मैंने इसे कहा, अरे भाई तू शादी कर ले, कम से कम घर में कोई चूल्हा जलाने वाली तो आएगी, पर ये है कि मेरी सुनता ही नहीं। आइए आइए कवर जी, आइए आइए। पुलिस में रिपोर्ट? ये हमारे घर का मामला है बाबूजी। लेकिन मामला तो चोरी का है ना? हाँ ससुर जी, आज जेवर चोरी हुए, कल कुछ और चोरी हो सकता है। इससे पहले ऐसा कुछ हो, हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। क्यों साले साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, चलिए। मैं तो कहती हूँ कि पुलिस में रिपोर्ट करके कुछ नहीं होगा, मेरी मानो तो पुलिस लेके सीधा गांव चले जाओ, नहीं तो अपने हाथ कुछ नहीं आना। अरे ठीक है, चलो जा। मम्मी भी कहे, हाय मैं तो, मेरे तो कर्म ही फूटे, ना जाने लड़की क्या करेगी। ये बता, कैसा है मेरा बच्चा? तू खुश है ना वहाँ? मैं तो वहाँ पे बहुत खुश हूँ बाबा, पर मेरे श्याम बाबा वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं। मेरे ससुराल में श्याम बाबा के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे ससुराल श्याम बाबा को नहीं मानते। जो भगवान को ही नहीं मानता, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? खैर तू चिंता मत कर, बाबा तो कलयुग के अवतार हैं, उनके चमत्कार की महिमा तो वही जानते हैं। अब वो जो चाहेंगे।
प्यारा मेरे खाटू वाले श्याम आज ग्यारस की जोत जगाई है कीर्तन में तुमको आना है भक्तों ने आस लगाई है विपदा हरने भक्तों की हर युग में आए मुरारी आदर्श दिखाने आजा कर लीले की सवारी आदर्श दिखाने आजा कर लीले की
बाबा बाबा आपके घर पुलिस आई है। पुलिस? ओ चलो, आप सब लोग देख रहे हैं दरवाजे पे कितना बड़ा ताला। अरे ये प्लानिंग है, प्लानिंग। इंस्पेक्टर साहब इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। बाप भी गायब, बेटी भी गायब, माल भी गायब, सब कुछ गायब। कर लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए क्या बात है इंस्पेक्टर। आप ही ताराचंद जी? भैया आप यहाँ क्या हुआ? अरे आप लोग तो परिवार के सदस्य, बाहर क्यों खड़े, अंदर चल के बात करें। हम यहाँ पर अंदर बाहर की गेम खेलने नहीं आए हैं। इंस्पेक्टर साहब आप इनको गिरफ्तार कीजिए ना। जी हमारे घर में चोरी हुई है। चोरी? मैं कुछ समझा नहीं भैया। साले साहब ये जो आपकी धर्म पत्नी है ना, ये जो सामने खड़ी है, इन्होंने हमारे घर के पूरे गहने चुरा लिए, उसके बाद आराम से पुर रो गई। जीजा जी, जीजा जी ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहे हैं, जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया आप ही जीजा जी के साथ? तुम जानते हो प्रेम, जो गहने चोरी हुए ना उसमें रानी के गहने भी चोरी हुए। पंडित जी आप दरवाजा खोलिए, हमें तलाशी लेनी पड़ेगी। श्याम सुंदर आइए। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? यदि श्याम बाबा की यही मर्जी है तो फिर तलाशी हो जाने दे बेटा। आइए देख लीजिए। चलो चलो। बाबा ये दिन भी दिखाना बाकी था। चल भाई यहाँ तो कुछ न मिला। साहब पूरे घर की तलाशी ले ली, कुछ भी सामान नहीं मिले साहब, कुछ भी नहीं मिले। अच्छा पंडित जी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, आपके खिलाफ कंप्लेंट थी इसलिए मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ी। शायद इसी में श्याम बाबा की मर्जी होगी। नागेश जी अब मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। मेरे घर की तलाशी? मेरे घर की तलाशी क्यों? उसकी वजह यह है कि आपने कंप्लेंट तो की है जी हाँ। और चोरी भी हुई तो तलाशी तो बनती है। यहाँ कुछ मिला नहीं तो आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं करने दो। आई अंदर आई 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 है बाबू जी। हाँ पुलिस आई। पुलिस? क्या बात है? मीरा जी का कमरा कौन सा है? हमें उनके कमरे की तलाशी लेनी। तलाशी? उस तरफ। श्याम सुंदर जाकर कमरे की तलाशी लो। जी साहब। चलो कर ली ना अपने मन की हैं? बावला हो गया है तो उसके चक्कर में। ऊपर तो कुछ भी कोनी मिलियो, अगर आप कहो तो नीचे की तलाशी लेना। वो कमरा किसका है? ओ इंस्पेक्टर रुक, हैं? चोरी मेरे घर में हुई है, तलाशी भी मारे घर की, ये किधर का कानून है? देखिए मैडम प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। ओ मैडम मैडम की करिया तने? है हम क्या चोर दिखाई देते हैं? क्या पुलिस थाने में हमने गलत रिपोर्ट लिखवाई है? माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, ये हमारा घर है, ऐसे कैसे तलाशी लेंगे आप? हाँ जाने देने, शांति। ठीक है जा ले देख ले, ले तलाशी मारे कमरे की। आजा। कुछ भी कोनी मिलियो चला जा। साहब उस कमरे में भी कुछ भी कोनी मिलियो। ये कमरा किसका है? ये कमरा मेरा 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 माय माय आपका? हमारा घर जमाइए। ओ सूर्य के ससुर है, पुलिस को बताना जरूरी था। आप प्लीज मेरे साथ अंदर चलिए। ध्यान से देख लो, तसल्ली कर लो अपनी, सब ढंग से रखो, ढंग से रखो। आप देखो संभाल कर करो। मुझे पता आप ही लोगों के रूम में होगा, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। ये यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। अभी पता चल जाएगा ये कहाँ से आया। आइए चलिए बाहर चलते हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। अरे बाप रे बाप, कुबेर का खजाना मेरे कमरे में और मुझे पता ही नहीं। भैया मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता ये कहाँ से मेरे कमरे में आया, मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से आया। पैर तो है नहीं पोटली के, जो चलकर या
पंख लगाकर उड़कर चला आया तुम्हारे कमरे में? पिताजी मैं झूठ क्यों बोलूंगी, सच में मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानता हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। जानती है तेरा नाम खुशी क्यों रखा था हमने? क्योंकि हमको लगा था कि तू घर में खुशियां लेकर आएगी, लेकिन तू इसे लेकर आई। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, चुप इसलिए रहता हूँ ताकि इस घर में अशांति ना हो। अजी सुनिए ना, सुनिए सुनिए तो, अगर अशांति ना हो तो शांति, चुप खुशी, तुझे तेरे बाप की कसम सच बता दे, वरना तू मेरा नया मुंह देखेगी। अब इंस्पेक्टर साहब अब जाइए, खुशी बेटा तू अपने कमरे में। कोई कहीं नहीं जाएगा खुशी, मैंने तुझे कसम दी है, या तो तू सच बोलेगी नहीं, नहीं। या फिर मैं नहीं। पिताजी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं रखा, ये तो माँ ने मुझे दिया था मीरा के अटैची में रखने के लिए, मैं सच कह रही हूँ। और मैंने अपने हाथों से वहां रखा था, मैं नहीं जानती यहाँ कैसे आया। तो ये बात है, ये सब तेरा किया कराया है, उस बेचारी मीरा को बदनाम करने के लिए। लेकिन देख लिया ना नतीजा, शांति सुधर जा, सुधर जा। इंस्पेक्टर साहब, इन बेवकूफों की वजह से आपका समय बर्बाद हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। प्रताप, इनके साथ चौकी जाओ जी, और रिपोर्ट वापस लो। उसकी जरूरत नहीं, मैं रिपोर्ट वापस ले लूंगा, लेकिन ध्यान रहे दोबारा ऐसा ना हो मिस्टर प्रताप, ये आपकी अमानत। थैंक यू, चलो आप लोग। हाँ चलिए जी साहब। ये जो तेरा बुढ़ा बाप है ना, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उनका जो कुछ करना है बाद में करो, पहले अपना सामान पैक करो और चलो यहाँ से। मैं भूखी रह लूंगी, अचार और रोटी खा लूंगी, मगर यहाँ रह के अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तुम्हारे घर। डार्लिंग वो एक ट्रेजेडी है, वो जो शादी की रात, वो जो घर था, मामा था, वो जो मामी थी, वो सब भाड़े के थे, नकली थे। अरे तुम तो असली हो ना? असली हूँ, और कसम से डालेंगे सिर्फ तुम्हारा हूँ। कुछ भी करो मगर चलो यहाँ से। जाऊंगा जरूर, लेकिन जब तक अपनी खुशी की जिंदगी में खुशी और अपने ससुर की जिंदगी में गम नहीं लाऊंगा, यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। तेरा साला बुढ़ा खुसर बाप पुलिस वालों के सामने मुझे घर जमाई बोल रहा था, अब देख उसको बताता हूँ कि असली घर जमाई होता क्या है। मैं बनूंगा इस घर का राजा और तू बनेगी इस घर की रानी। रानी आ गए आप? अफो, रानी प्लीज मत बुलाओ मुझे इस नाम से, अब तो मुझे इस नाम से भी चिढ़ होने लगी है। जब तक अपनी मम्मी डैडी के घर में थी रानी बनकर ही पली बड़ी, लेकिन यहाँ प्रताप, आज जो कुछ भी हुआ मुझे मुझे उससे टेंशन होने लगी है। अब तो मुझे तुम्हारी बहन से भी डर लगने लगा है। माँ बेटी ने क्या साजिश रची थी, अरे कल को मेरे साथ ये सब कुछ हो गया तो? प्रताप कुछ सोचो अपने बारे में, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में कुछ सोचो। लेकिन तुमसे बात करूंगी तो यही कहोगे ना, मालिक मैं हूँ, मालिक मैं हूँ। रानी क्या गलत कहता हूँ मैं? मुझे सही गलत से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपना हिस्सा मांगो, नहीं तो चलकर मेरे पापा का बिजनेस संभालो। रानी तुम चाहती हो कि मैं अब से होगा वही प्रताप जैसा मैं चाहती हूँ। ठीक है, तुम ये देखना चाहती हो ना कि मैं मालिक हूँ या नहीं? मैं तुम्हें मालिक बनके दिखाता हूँ। ओम पवित्रो पवित्रम, ओम पवित्रो पवित्रम। गुरुजी आए हैं? हाँ, गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। मम्मी,
गुरुजी, गुरुजी आ गए। गुरुजी, गुरुजी, दर्शन दीजिए गुरुजी। ओम पवित्रो पवित्रम। गुरुजी, गुरुजी, दर्शन दीजिए गुरुजी। अपवित्रम, अपवित्रम, घनघोर अपवित्रम। ओम पवित्र, पवित्रो पवित्रम। ओम पवित्रो पवित्रम। ओम पवित्रम। उठ बेटा नागेश, मैं आ गया। गुरुजी, 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 धन्य है आप, धन्य आप गुरुजी कि आपने अपने पवित्र कदम को हमारे घर में प्रवेश किया। गुरुजी हमारे घर को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। शांति। हमारे जाने के उपरांत इस घर में कौन आया था? कौन? जरा बताओ तो। गुरुजी बहू आई है। गुरुजी आपको तो मालूम है कि हमारे लाले की शादी हुई है। गुरुजी घर में बहू आई है। बहू? बहू लेकिन अकेले नहीं आई होगी, साथ में जरूर कोई ना कोई तो लाई होगी। लाई है ना गुरुजी, फोटो लाई है। फोटो? किसकी फोटो? खाटू वाले श्याम बाबा की फोटो। ये खाटू वाले श्याम बाबा कौन है? ये बाबा नहीं, भगवान है। भगवान खाटू वाले श्याम जी, जब देखो तब घर में खुश आता है, ठोंकी कहीं का। गुरुजी, गुरुजी शांति, शांति, शांति। ये खाटू वाले श्याम बाबा कौन है? जहाँ मैं होता हूँ वहाँ पे मेरी आस्था होती है, मेरी। इस घर के लिए, इस घर की सुख शांति, धन दौलत और शोहरत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। यज्ञ, तप, हवन, विनाश, विनाश, सब कुछ बलिया मेट कर दिया, विनाश। अब गुरुजी अब क्या होगा? प्रायश्चित करना होगा, प्रायश्चित। यज्ञ, तप, हवन, पूर्णाहुति, 101 ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा। अच्छा। भूदान और गोदान करवाना होगा। हाँ गुरुजी, आप जो कहेंगे वही होगा। ये जो कहते हैं करिए गुरुजी, जो कहते हैं करिए। हाँ हाँ गुरुजी, अपने गुस्से को थोड़ा शांत कीजिए। हाँ। मैं 101 क्या, मैं 202, 2002 पंडितों को खाना खिलाऊंगा। तीसरी प्लेट है गुरुजी। भोजन कैसा लगा? आनंद आ गया, आनंद आ गया, संतुष्टि प्राप्त हो गई नागेश। लगता है कि अब हमें तुम्हारे बारे में कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, ऊंचा सोचना पड़ेगा। सोचिए गुरुजी, बड़ा सोचिए, उससे बड़ा सोचिए, फिर उससे बड़ा सोचिए। देखिए ना गुरुजी, हम आपके बारे में कितना सोचते हैं। ये मैं आपके लिए गुरु 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 दक्षिणा लाया हूँ, पूरे 2.5 लाख रुपया। तू तो खरगोश से भी बहुत ज्यादा तेज है नागेश। शांति देवी से पूरे 5 लाख, 51,000 रुपए लेता है, हमको सिर्फ देता है 2.5 लाख। वो क्या गुरुजी, बस आप ही का चेला हूँ ना, आपके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ गुरुजी। बस आप एक काम कीजिए, ये जो आपका पवित्र हाथ है ना, ये मेरे सर पे रख दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। हमारा हाथ तो तुम्हारे सर पे रहेगा नागेश। रहेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारा मैनेजर जगदीश आपसे बात कर लेगा। सुबह की गाड़ी निकल गई दिल्ली वाली? वो तो सुबह 8 बजे निकल गई ससुर जी। जगदीश, मैं थारे से पूछ रहा हूँ जगदीश। बाबूजी, वो आप तो मुझे निठल्ला समझते हैं, ध्यान हम भी रखते हैं। बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं बाबूजी, आपको मुझ पर तो भरोसा होगा ना। हाँ। बोल क्या करना है। जोधपुर की दोनों गाड़ियाँ लोडिंग हो चुकी हैं। हाँ। और सर ये रहे बिल्डिंग के पेपर, ये कुछ पेपर हैं जिन पर साइन करने हैं सर। हाँ, आपको ठीक है। कोई रिपेयर तो नहीं आज के दिन? नहीं बाबूजी, आज कुछ भी नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सुबह के वक्त में। जी बाबूजी। लेके जाओ। अच्छा बाबूजी। बाबूजी यहाँ पर भी दस्तखत कर दीजिए। का है जे? जी वो गुमस्ता लाइसेंस की एप्लीकेशन है। हाँ। और पीछे जो है वो हाँ बोलो, एसोसिएशन के पेपर से साइन करना है। अभी तो गाड़ी निकल गई है,
मैं बात करता हूँ ना तुमसे। हाँ ठीक है। और हाँ। यहाँ 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 पे हाँ तो कल कहीं रख लेते ना। हाँ कल शाम को 4 बजे। और एक बाबूजी नहीं नहीं 3 बजे मुझे जाना है कहीं यहाँ पर। हाँ हाँ 4:30 बजे का रख लेते ना। हाँ अच्छा अरे अगर वो सूट नहीं करता है तो नहीं अगर 4:30 बजे नहीं आ सकते हैं तो 5 बजे आ जाओ। हाँ हम तुम्हारी समस्या सुलझा देंगे तुम आ जाओ। हाँ लो लाला जी आ गया। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा। माँ अखंड सौभाग्य। खुश रह। देखो लाले का थोड़ा वजन भी बढ़ गया। तो तूने खूब सारे देसी घी के पराठे खाए हैं कि तेरा थोड़ा वजन ही बढ़ गया। लगता है खूब मौज मस्ती करके आया अपने ससुराल में। हम तो पहली बार गए हैं जीजा जी, लेकिन आपके तो साल के 12 महीने मौज हैं। आखिर में आप जो ठहरे घर जमाई, और वैसे भी आपने और भैया ने कोई कसर छोड़ी नहीं। पिताजी उस केस का क्या हुआ, वो जेवर मिले? बेटा जब अपने ही घर के लोग थाली में खाकर छेद करने लगे ना तो बातों पर पर्दा डालना ही पड़ता है। और हाँ बिंदनी, थारे घर पुलिस गई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पिताजी आप माफी क्यों मांगने लगे? शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने ऐसा कर्म किया। और वैसे भी जिन पर खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद होता है उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ बेटा। अच्छा प्रेम बेटा जी, कल सुबह बैंक जाके चेकबुक भी ले आना और अकाउंट भी चेक कर लेना है। जी मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। जी पिताजी। ठीक है जी। बावला हो गया क्या? ये सिग्नेचर मैंने नहीं किए हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ बाबूजी, ये सिग्नेचर आप ही के हैं। मैं ऑफिस से सीधा आ रहा हूँ। बैंक अकाउंट के सारे पेपर प्रताप भैया के नाम पे ट्रांसफर हो गए और उन्होंने सारे ऑफिस के स्टाफ को बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि कंपनी का नाम भी बदल दिया। प्रताप! प्रताप! क्या हुआ बाबूजी, क्यों चिल्ला रहे हैं? ओ, तो ये साहब यहां पे पहुंचे हुए हैं। इस समय तो तुम्हें वहां ऑफिस में होना चाहिए था ना, यहां क्या कर रहे हो? जी वो जाओ ऑफिस जाओ। अरे बाबूजी की तरफ क्या देख रहे हो, जाओ ना। प्रताप भाई क्या सुनो, कम ऑन डैड, अपने गुस्से को ठंडा कीजिए ना, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। मुबारक हो प्रताप, आज आपके ऑफिस का पहला दिन है, कांग्रेचुलेशंस। वाह रे कलयुग की बहू, बेटा बाप से फरेब करता है और घर की बहू पति को मुबारकबाद दे रही है। अब इसमें फरेब की क्या बात है पिताजी, अब आपको रिटायर। बहू बस बस। ठीक ही तो कह रही है रानी, कब तक सारा बोझ खुद सर पे उठाते फिरोगे? क्या बाबूजी आपकी उम्र 60 साल से ऊपर की हो गई, इस उम्र में भी काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ। और अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे होते फादर इन लॉ तो आज रिटायर होते। हाँ, ठीक की पेंशन खा रहे होते। पिताजी। प्रेम। ये भी आ गया। पिताजी बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे।
पता चला आपने कंपनी बेच दी। नहीं नहीं नहीं, कंपनी बेची नहीं है, बेची नहीं है। आज से सारा कारोबार आपके बड़े भाई साहब प्रताप ने अपने नाम पे कर लिया है। घर में ही है, सब इधर ही है। क्या हुआ पिताजी, सब ठीक तो है? पिताजी, बाबूजी, क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ पिताजी? जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हमसे? सब ठीक तो है? मरेगा तो नहीं? पिताजी, ये सब क्या है भैया, क्या बात है? भैया कुछ बोलो तो। माँ, कम से कम आप तो कुछ बोलो, सब लोग खामोश क्यों हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। दरअसल हमने सोचा कि आप और बाबूजी इतने सालों से इतनी जिम्मेदारियों का काम कर रहे हैं, ऑफिस का, बैंक का, प्रॉपर्टी का काम करते करते थक गए होंगे, आप लोगों को थोड़ा आराम चाहिए ना। तो आपके बड़े भाई साहब प्रताप जी ने वाह क्या कुर्बानी की है, इन्होंने सोचा कि आज से सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर उठाएंगे। क्या बात है, क्या कुर्बानी है। बस सब कुछ घर में ही है कहीं, एवरीथिंग इज हियर। अच्छा, तो ये सब आपकी मेहरबानी है। मेरे भाई साहब तो भोले भंडारी हैं, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। तमीज से बात करो प्रेम, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हमारे घर के दामाद हैं। भैया प्लीज, आप चुप रहिए, मुझे इनसे बात करनी है। इनसे नहीं प्रेम, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। आपसे? आप क्या जानते हो बिजनेस के बारे में? हाँ, आप कुछ नहीं जानते भाई साहब, कुछ नहीं, सिवाय भाभी के पल्लू के। आपने ना कभी कुछ देखा है, ना कभी कुछ देखना चाहते हैं। प्रेम, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, आप भी कुछ कम नहीं बोल रही है। तेरे बड़े पर निकला है लड़की, जबान संभाल के बात। बस बहुत हो गया, अब जो भी करना है हम करेंगे। क्या बोला आपने, हम करेंगे, हम करेंगे? ससुर जी, आज आपकी औकात मैं की भी नहीं है और आप अपने आप को हम बोल रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हमें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे? नहीं ससुर जी, नहीं, वो वक्त और था और आज वक्त और है। आज अगर मैं चाहूं तो तुम्हें धक्के मार मार के इस घर से। तूने हाथ उठाया प्रेम, तूने हाथ उठाया? या मुझे छोड़ दो प्रताप, जो आप कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, ये आदमी हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। प्रताप, मतलब कि तू हाथ उठाएगा? तू हाथ उठाएगा? भैया अपने से भैया पर हाथ उठाएगा, यही सिखाया तुझे, हाथ उठाएगा? हाँ, छोड़ दो, हाथ उठाएगा तू? बोल भैया, फट जाओ भैया। इतना घमंड है अपने आप पे? तो निकल जा इस घर से, निकल जा। चलो मीरा, चलो यहां से। ठहर, चलो यहां से। मीरा कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन इस वक्त मैं माँ की आज्ञा का पालन उसी तरह से करूंगा जैसे श्री राम ने किया था। तुम कहां जा रही हो मीरा? पीर मिटावेगी, रोते को और रुलावेगी, दुनिया क्या पीर मिटावेगी, रोते
नाते को और रुलावेगी, ये सुख में साथ निभाती है। ये सुख में साथ निभाती है, दुख में बैरन बन जाती है, फिर दर्द तू सारे कह दे दयालु बाबा श्याम से, फिर दर्द तू सारे कह दे दयालु बाबा श्याम से। ओ श्याम कहाँ पे फंसा दिया मुझे जिया जी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये? अरे अरे, ये ट्रांसपोर्ट का धंधा है, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा, टेक इट इजी। प्रताप भैया, जिस गाड़ी में आग लगी थी उस गाड़ी की पार्टी के माल की पेमेंट हमें करनी है। पेमेंट करना है मतलब? इंश्योरेंस में क्लेम किया है लेकिन पार्टी को सेटल करना पड़ेगा। सेटल करने का मतलब? अबे कंपनी का दिवालिया निकलवाएगा क्या? जब क्लेम आएगा सेटल कर लेंगे। लेकिन बाबूजी तो? अरे भाड़ में गए तेरे बाबूजी। तमीज से बात कीजिए जमाई जी, एक तो आप गद्दी पे बैठे शराब पी रहे हैं और ऊपर से अनाप से। कौन है बड़े मालिक? कौन है बड़े मालिक? इस कंपनी के बड़े मालिक, छोटे मालिक, सब मालिक ये हैं। इधर देख, ये ओए, तू कुछ ज्यादा समझदार नहीं हो गया? हाँ, हो गया है। एक काम कर, आज से तेरी छुट्टी, चल भाग भाग यहां से। अरे आप मेरी छुट्टी क्या करेंगे, मैं खुद नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद से उल्टी गिनती शुरू हो गई आपकी। तेरी गिनती उल्टी शुरू करूं मैं क्या? बहुत सवाल। अच्छी पियो, खराब पियो, जब भी पियो शराब पियो। बाबूजी, ये तो आप ही का आशीर्वाद है कि ये प्रिंटिंग प्रेस आपने मुझे दिला दी। नहीं बेटा, गुप्ता जी से प्रेस चल नहीं रही थी, उन्होंने तुम्हें बेच दिया। फिर ये तो तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं, फिर बाकी तो सब श्याम बाबा का आशीर्वाद ही है। बाबूजी, मीरा भी हमेशा श्याम बाबा की भक्ति करती रहती हैं और आप भी हमेशा श्याम बाबा का नाम लेते रहते हैं, आखिर उनकी कहानी है क्या? अरे बेटा, तुमने कभी कुंवर जी को श्याम बाबा की कहानी नहीं सुनाई? बाबा, इन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया मुझे। लो। बेटा, श्याम बाबा जो है ना, वो कलयुग के अवतार है, महाभारत की कहानी है वैसे। बस श्याम बाबा से जो कोई भी कुछ मांगता है ना, उसे मिल जाता है, इसीलिए उन्हें लखदातार भी कहा जाता है। महाभारत में एक बार अज्ञातवास के दौरान पांडव अपनी माँ कुंती और द्रौपदी के साथ वनवास के लिए जंगल गए। वहां उन्हें राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा मिलती है। सात प्राणी एक साथ, एक खाऊं कि दो खाऊं कि सातों को खा जाऊं? कौन है तू? मैं हिडिंब, इस जंगल का राजा, और ये मेरी बहन हिडिंबा। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। अरे मूर्ख नराधम, कैसा भाई है तू? अरे तूने कभी अपनी बहन के ब्याह के बारे में नहीं सोचा? अरे जंगल में आने वाले सबको तू खा जाएगा तो तेरी बहन से विवाह कौन करेगा? मुझे अब तक कोई ऐसा बलशाली नहीं मिला जो मुझे हरा सके। मेरी बहन का विवाह उसी से होगा जो मुझे युद्ध में हरा देगा। मैं तैयार हूँ। सोच लो, अगर हार गए तो तुम हम सबको अपना आहार बना लेना। और उसके बाद दोनों में दंगल की तरह युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हिडिंब मारा गया और कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद हिडिंबा ने पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया और फिर घटोत्कच का विवाह अहिलावती से हुआ, जिसका पुत्र हुआ बरबरिक, जिन्हें हम श्याम बाबा कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सवारी वो तीन बाण का धारी गुरु है उसके कृष्ण मुरारी जिस पर शिव की कृपा न्यारी नाम है उसका बरबरीक ये बलशाली सब पर भारी ऋषिवर को अहलावती का प्रणाम आयुष्मान भव ऋषिवर ये किसके सैनिक हैं और कहां जा रहे हैं धर्म युद्ध में धर्म युद्ध हाँ कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी है हाँ? और भगवान कृष्ण ने इसे धर्म युद्ध का नाम दिया है मैं भी इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूँ लेकिन पुत्र तू अभी बालक है बर्बरिक वीर बालक है अहलावती यदि इसकी इच्छा है तो इसे धर्म युद्ध में सम्मिलित होने दो माँ मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है पर ये तो बता तू किसकी ओर से युद्ध करेगा जिसकी तरफ से आप कहेंगी माँ वैसे पांडवों के पास ना सैनिक हैं और ना ही अस्त्र शस्त्र पुत्र तुम उनकी तरफ से युद्ध करना जो हारने वाले होंगे तू हारे का सहारा बनना पुत्र जो आज्ञा और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी जब तू मुझे युद्ध भूमि की घटनाओं का आंखों देखा वर्णन सुनाएगा अवश्य माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए आयुष्मान भवा अब तो तुम्हारे मन की सारी शंकाएं दूर हो चुकी होंगी अर्जुन युद्ध भूमि में कोई अपना और पराया नहीं होता क्या अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो कौन हो तुम बालक और यहाँ क्या करने आए हो बताओ बालक मेरा प्रणाम स्वीकार करें मैं इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ युद्ध के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो बालक और किसी भी युद्ध में सम्मिलित होने के लिए ये जानना अति आवश्यक है कि तुम किस कुल के हो बालक धनुर्विद्या कहाँ से ली है तुम्हारा गुरुकुल कहाँ है और तुम्हारे गुरु कौन है मेरे गुरु और मार्गदर्शक दोनों ही श्री कृष्ण हैं। बचपन से लेकर आज तक धनुष पर तीर डालने के पहले और बाद में उन्हीं का स्मरण करता हूँ तुम्हारे तीर की धार का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारी वाणी की धार बहुत तेज है और वैसे भी तुम्हारे तरकश में सिर्फ तीन ही बाण हैं। इन तीन तीरों से मैं तीनों लोगों को समाप्त कर सकता हूँ बालक क्षमा चाहता हूँ लेकिन यही सत्य है ये तीन बाण मुझे भगवान शंकर ने मेरी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर दिए हैं अच्छा मैं विश्वास तब करूंगा जब तुम मात्र एक बाण से इस वृक्ष के सारे पत्तों को भेद दोगे जो आज्ञा प्रभु मैंने तीर को आदेश केवल पत्तों को भेदने का दिया है ना कि आपके पांव को क्षमा करें प्रभु आप इस पत्ते से अपना पांव हटा लें कौन हो तुम मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु मैं भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ बर्बरिक इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम बहुत ही वीर और अच्छे धनुर्धर हो लेकिन ये बताओ युद्ध किसकी ओर से लड़ोगे प्रभु शिष्य तो मैं आपका हूँ लेकिन मैं माँ को वचन देकर आया हूँ कि जो हारेगा मैं उनका साथ दूंगा मैं हारे का सहारा बनूंगा तुम्हारे विचार बड़े उत्तम है बर्बरिक और जब तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा तो दी नहीं प्रभु की जो आज्ञा मैं वचन देता हूँ आप जो भी मांगेंगे मैं वो दूंगा सोच लो बर्बरिक जी सोच लिया प्रभु ठीक है
तो मुझे अपने शीश का दान दे दो प्रभु। ये क्या मांग लिया प्रभु? क्या हुआ बरबरिक? मैं तैयार हूँ प्रभु, बस एक विनती है कि मैंने माँ को वचन दिया था कि महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वर्णन करूंगा। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु, मेरे शीश का दान ग्रहण कीजिए। तरह से महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक इस युद्ध का हिस्सा बनता तो महाभारत का अंत कुछ और ही होता। इसलिए युद्ध समाप्ति के पश्चात वो पुनः बर्बरिक के पास पहुंचे। वीर बर्बरिक, ये बताओ युद्ध में तुमने क्या देखा? चक्र सुदर्शन है बलदाई, काट रहा था दल जिमिकाई, रूप द्रौपदी काली का धर, हो विकराल ले कर में खपर, भर भर रुधिर पिए थी प्यासी, थी कृष्ण की लीला ये सारी। इस संसार में तुमसे बड़ा दानी कोई नहीं बर्बरिक, तुम वीर योद्धा ही नहीं वेद पुराण के ज्ञाता भी हो। महाभारत का सत्य तुमने अपनी दिव्य आंखों से देखा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस युग के उपरांत कलयुग आएगा और कलयुग में लोग तुम्हें मेरे ही नाम श्याम के नाम से जानेंगे। तुम्हारी पूजा अर्चना घर घर में होगी, भक्तों को मेरी पूजा से 100 गुना ज्यादा फल तुम्हारी पूजा से मिलेगा और लोग तुम्हें खाटू के श्याम के नाम से जानेंगे। ये थी हमारे श्याम बाबा की कहानी। बाबूजी, मैं भी इतने बड़े अवतार और दानी के दर्शन करना चाहता हूँ। बिल्कुल प्रेम, श्याम बाबा की महिमा तो पूरा संसार जानता है, वो तो महान है, उनके तो रंग हजारों हैं। फागुन मस्त महीना, चारों ओर बजाते शोर, चलो सभी घाटों की ओर, होली है। होली होली रंग रंगीली, चली है देखो मस्तों की टोली। होली भरो रे भरो रे पिचकारी, होली खेले श्याम संग राधा प्यारी, अरे आई होली भरो रे भरो रे पिचकारी, ओए होली खेले श्याम संग राधा प्यारी। आई होली भरो रे भरो रे पिचकारी, अरे होली खेले श्याम संग राधा प्यारी। अरे नीला पीला हरा गुलाबी बरसे रंग के सरिया, उड़े गुलाल अबीर केवड़ा भीगे राहट गरिया। बांध के फेंटा खेल रहे हैं राधा संग मनमोहन, शाम के रंग में रंगी है राधा बनी आज ये जोगन। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। रंगी है गोपी रंग में नाचे ग्वालों के संग में, रंगी है गोपी रंग में नाचे ग्वालों के संग में। निकली हैं आज घर से, ओए होए 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 होए, निकली हैं आज घर से ये करके तैयारी, निकली हैं आज घर से ये करके तैयारी।
बचेगा आज कैसे, बचेगा आज कैसे ये बांके बिहारी, बचेगा आज कैसे ये बांके बिहारी, बचेगा आज कैसे ये बांके आज का महायज्ञ अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन इस महायज्ञ में इंद्रलोक के सारे देवी देवता यहां महायज्ञ में सम्मिलित होंगे, स्वयं यहां पर आएंगे। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जब तक ये यज्ञ संपन्न ना हो आप अपना आसन छोड़ के मत जाइएगा, मतलब कि आप अपना आसन छोड़ के जा ही नहीं सकते, तो शुभारंभ करते हैं। जी जी जी। ओम यसकीने वर्दभोष्यसिकेने स्वाहा, ओब्रभोष्यसिकेने फर्दश्यसिकेने प्रभोः, ओम लप्रभोष्यसिकेने सखियाना स्वाहा, ओम जप्रभोष्यसिकेने। आप आहुति मत डालिए, क्योंकि आपके पतिदेव यहाँ पे नहीं है, आप अकेले नहीं कर सकते, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ेगा। जी क्षमा कीजिए मुझे। ओम सप्रभिष्यसिकेने वर्दभो स्वाहा, ओम जुप्रियोषकी सखरकी प्रभोष्यसिकेने स्वाहा, ओम सप्रभोष्यसिकेने वप्रभोष्यसिकेने वर्दभो स्वाहा, ओम लप्रभोष्यसिकेने प्राभोष्यसिकेने वर्दभोष्यसिकेने स्वाहा, ओम जिजिबीना शसकीना फर्दबो लाप्रबो यखनक स्वाहा, ओम शसकीन दात्रका शसकीन यादा बहरारा पपचूजी खुलुश स्वाहा, यादा बहरारा पपचूजी स्वाहा, ओम शसकीन प्रभीचीन काकरे स्वाहा, लाप्रबो शसकीन फर्दबो शसकीन पाप्रबो स्वाहा, ओम व्लादिमीर शसकीन प्रबो अरे प्रताप ले जाए इसे बाहर। I'm sorry. क्या हुआ डॉक्टर साहब? हम बच्चे को तो बचा नहीं पाए, but thank God कि रानी बच गई, but I'm sorry to say कि रानी अब कभी माँ नहीं बन सकती। मेरा लल्ला ये पहनेगा, मेरे लल्ला के सुंदर सुंदर हार, घुंघराले बाल, और ये देखो लल्ला का अच्छा सा मुकुट। मैं तुम्हारी सेवा इतनी क्यों करती हूँ? सिर्फ इसलिए कि मेरी रानी का होने वाला लल्ला ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए। माँ क्या हुआ इस वक्त अचानक इस हालत में? रानी क्या हुआ, बता तो सही क्या बात है? सब खत्म हो गया है माँ। ऐसे क्यों कह रही हो बेटी? जो सच है मैं वही कह रही हूँ, मैं डॉक्टर के पास से आ रही हूँ, उन्होंने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सब कैसे हुआ बेटी? हवन की वजह से, ये सब मेरी सास की वजह से हुआ है माँ, ना वो हवन कराते ना ऐसा होता। बेटी कुमार जी पढ़े लिखे हैं, उन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती। उन्हें वो समझ में आता है माँ, जो जीजा कहता है या फिर जो माँ कहती है, मेरी बात उन्होंने कभी नहीं सुनी। माँ मैंने कसम खा ली है कि मैं जान दे दूंगी,
लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी माँ। प्रेम। यस डॉक्टर। बधाई हो, आप डैडी बनने वाले हैं। मेरे लखदातार, मेरे श्याम, तेरी कृपा हमेशा मेरे बच्चों पर यूं ही बनी रहे। खाटू आए हैं सांवरिया तेरा दर्शन करने आज, खाटू आए हैं करने आज, खाटू आए हैं तुमको सांवरे भोग लगाने, तुमको सांवरे भोग लगाने खिचड़ लाए हैं, खाटू आए हैं। खाटू आए हैं सांवरिया तेरा दर्शन करने आज, खाटू आए हैं। ओम गं गणपतये नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। बधाई हो, प्रणाम, आयुष्मान भव। जिसने भी तेरी ज्योत जगाई तुमने उसे खुशहाल किया। एक मिनट प्लीज। जो भी सोचा मन में अपने पूरण हर एक काम किया। जिसने भी तेरी ज्योत जगाई तुमने उसे खुशहाल किया। जो भी सोचा मन में अपने पूरण हर एक काम किया। तुमको सांवरे ध्वजा चढ़ाने, चरणों में तेरे सर को झुकाने पैदल आए हैं, खाटू आए हैं। खाटू आए हैं सांवरिया तेरा दर्शन करने आज, खाटू आए हैं। जितने भी ये व्यापारी हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा। कम ऑन बाबूजी, अब आप मुझे सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे करते हैं। इससे पहले 3 चेक साइन कर चुका हूँ, चौथा भी कर दे। तेरे माँ बाप ने तेरा नाम नागेश रखा, बहुत गलत रखा। और कुछ? तू तो सिर्फ नाग है, नाग। और ये सब कुछ अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है, समझी? करो चले, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तूने। प्रेम 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 प्रेम, चुप। अब क्या हुआ? अपने भक्त के देव तो बड़ा महान है। शीश के दानी तेरी कहानी जाने सारा जहान है। भरे भंडारे अपने भक्त के देव तो बड़ा महान है। बरबरीक से बने शाम तुम, भक्तों के करते हो काम तुम। ज्योत जगाए हैं, खाटू आए हैं। रानी बना दूंगा, रानी। नागेश, शट अप। मिस्टर मेहता, 20 साल से हमारी कंपनी चल रही है। अरे बोला ना मैंने आपसे, पैसा दूंगा दूंगा दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं माँ के आगे का पालन उसी तरह करूंगा जैसे श्री राम ने किया था। क्या हुआ? खाना खाते खाते छोड़ दिया?
पता नहीं मेरा बच्चा प्रेम कैसा होगा। मेरी बहू बहुत याद आ रही है। अपने ही खाने की पड़ी रहती है, मेरे पति के बारे में तो कभी नहीं सोचते। आप बैठिए जी। ये क्या? यही तो तकलीफ है कि ये तेरा पति है। ना तूने इससे शादी की होती ना मेरे घर बर्बाद होता। कौन सी बर्बादी की बात कर रहे हैं? कौन सी बर्बादी की है मैंने इस घर के अंदर? ये तो शुक्र है कि मैं इस घर का दामाद हूं, इसलिए घर आबाद है, वरना जो कुछ ये बता कुछ है ना, सब कुछ बिक चुका होता। क्या बात है, सब लोग यहाँ पे चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे कुछ नहीं, यही आपके पिता शेरी, मेरे ससुर जी, मेरे लिए, उस इंसान के लिए जिसने इस घर के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना भविष्य तक नहीं सोचा, उसे कहते हैं कि मैं इस घर का बर्बादी का कारण हूं। भाऊ जी, आप यहाँ पर शांति से नहीं जी सकते? हर चीज आपको यहाँ पर दी जाती है, आपकी हर मांग यहाँ पर पूरी की जाती है, खाना आपको दिया जाता है, कपड़ा लत्ता दिया जाता है, वो भी फ्री में। हाँ, फ्री में ही तो है। हाँ? फिलहाल काम तो आपके पास है नहीं, और आप माँ, दूसरा काम आपके पास है नहीं तो कम से कम बाबूजी को तो संभालिए। अच्छा, तूने बड़े संभाल लिया अपनी बहू को। अच्छा हुआ घर छोड़ के चली गई, पांच कहीं की। मामा, आप रानी के बारे में एक भी लफ्ज और नहीं कहेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे तो बेहतर है। क्यों, लग गई मिर्ची? बांझ को बांझ नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? बांझ थी, बांझ है और बांझ रहेगी। अपनी माँ पर हाथ उठाने चला था? अपनी माँ पर? ये तो माँ बाद में, पहले मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी। आज तक मैंने अपनी जुबान से ऐसे कुछ नहीं कहा, और तू इस पर हाथ उठाने चला था? निकल जा यहाँ से, निकल जा मेरे घर से, आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, और अपने नाग को भी ले जाए यहाँ से। नाग नहीं, नागेश बोलो ससुर जी, नागेश। नाग बनाया किसने? आपने? इस घर का दामाद हूं मैं, नौकरों से पत्ता रखा आपने मुझे इस घर में। जा, गाड़ी में से सामान निकाल के ला, जा रसोई में राशन डाल। नौकर दिखता हूं क्या मैं? नौकर रहा सवाल जाने का, जाएंगे जरूर, लेकिन हम नहीं, आप जाएंगे, आपकी श्रीमती जाएंगी, क्योंकि आज ना तो ये घर आपका है, आपका कोई बिजनेस है, आप अपनी कंपनी, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ बेच चुके हैं, और बेचा भी तो किसको? मेरे प्यारे प्यारे साले साहब को, अब आपका इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। अब क्या देख रहे हैं? जाइए यहां से। ठीक कहा ना मैंने? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो तुम करो। बस इससे ज्यादा बेइज्जती और नहीं हो सकती मेरी। अब एक पल के लिए भी मैं इस घर में नहीं रह सकता। चल शांति, चल जाइए। बता बेटा, ये तू क्या कह रहा है बेटा? जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है सासू माँ। हाँ खुशी बेटे, तू तो कुछ बोल। ये क्या बोलेगी? तू कुछ बोल। ये क्या बोलेगी? ये तो वही बोलेगी ना जो मैं इससे कहूंगा बोलने के लिए। अच्छा है तेरी औलाद नहीं है, वरना जो धोखेबाजियां तूने हमारे साथ की हैं, कल को तेरी औलाद भी तेरे साथ करती। चल शांति। ससुर जाते हुए भी बद्दुआ दे गया। चल। कहाँ जाएंगे? तू बस में चढ़, जहां तकदीर ले जाएगी जाएंगे। चल। अच्छा। चल।
बाबूजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बाबूजी, हमने सोचा कि हम सबसे पहले आके खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद ले लें, इसलिए हम आपके पास आ गए। बहुत बहुत सही किया बेटा, बहुत सही किया, जो बाबा का आशीर्वाद लेने चले आए। बाबा। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बेटे, कायदे से तो ये रस्म तुम्हारी सास को करना चाहिए था, पर अब ना तो तेरी माँ है न तेरी सास है, आप जो कुछ भी करेंगे वो श्याम बाबा करेंगे। क्या सोच रहे हो? जिंदगी की सारी की सारी खुशियां एक एक करके चली गई, और ऊपर से तुम। मैंने क्या किया है? वो 50 लाख रुपए वो तो मैंने
ट्रक खरीदने के लिए लिए थे ना? ट्रक तो अभी तक आया नहीं। तुम्हारी धर्मपत्नी रानी भी अभी तक नहीं आई। ये क्या किया प्रताप? क्यों शराब पी पी कर अपना कलेजा जला रहे हो? अब इसी का तो सहारा है जीजा जी। ऐसे वक्त में तो अपना साया भी साथ नहीं देता साले साहब। ये तो अच्छा है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं जो तुम्हारा साथ निभा रहा हूं, वरना तुम्हारे बाप और भाई ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। छी 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 छी, कोई बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा करता है क्या? एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा दिया उस मैनेजर के बच्चे जगदीश ने। साला हरामी का पिल्ला तुम्हारे भाई के साथ मिलकर हमारे साथ को पुरानी दुश्मनी निभा रहा है। पूरा धंधा चौपट कर दिया, चौपट कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो साले साहब, मेरा नाम है नागेश, यानी कि नाग। ऐसा डसूंगा कि उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। आज के बाद जो कुछ भी करूंगा मैं करूंगा। बेटा यहां आया करो और बैठ कर ध्यान। बाबूजी इसीलिए तो आया हूं। बाबा खाटू श्याम की जय। बाबा की जय। बाबा बाबा, ये बच्चा किसी का रो रहा है, देखो ना कब से रो रहा है। अनाउंसमेंट करा दो जरा, मजा लगे ही आप आ ही जाए, बड़ी देर से रो रहा है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? श्याम। श्याम बेटा रो मत, हम अभी तुम्हारे माता पिता को बुला देते। अरे कोई है, माइक दो सिक्योरिटी। आई देखिए यहाँ मंदिर के बाहर किसी का बच्चा छूट गया है जो अपना नाम श्याम बताता है। हमने श्याम बाबा से औलाद मांगी थी, इस लंगड़ी औलाद का करेंगे क्या? उससे हमारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा, तकदीर में लिखा होगा कि वो यहाँ आए और इसे लेकर जाएं। श्याम लंगड़ा से परमा औलाद से इसे छोड़ ना सकते, वो श्याम बाबा का आशीर्वाद से ना इसे नहीं छोड़ सकते। लाल रंग की शर्ट पहने हैं, माफ करो श्याम, छोरा श्याम। लक्ष्मी रुक उससे बड़ी भूल होगी, मैंने माफ कर दी। तू चल के आया, तू चल के आया। बाबा बाबा मारा छोरा तो चल सकता है बाबा। श्याम बाबा तेरा लाख लाख शुक्र, श्याम बाबा की जय। मारा छोरा चल सके। हाँ बाबा, बाबा मारा छोरा तो चल भी ना सके थे, बाबा ये चल सकता है बाबा। अच्छा अच्छा बाबा, हे बाबा तेरी महिमा तो सिर्फ तू ही जान सकता है। लाख लाख शुक्र बाबा। लेके जाओ इसे, इसका ख्याल रखना। हाँ बाबा। देखभाल करना इसकी पूरी। ये बाबा है ना, ये कब कहाँ किस वक्त किसके लिए क्या करते ये सिर्फ यही जानता है। धन्य हो बाबा, धन्य हो, धन्य हो। देखो ये सब देखो, कितना पैसा कितना जेवर, घर में जितना भी बचा कुछ माल था मैं सब इस बैग में लिया, यहाँ तक कि मेरी बीवी के भी जितने गहने थे वो भी इसी बैग में। बेटा यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, नहीं तो तेरी और मेरी दोनों की कुंडली खराब हो जाएगी। चल चल चल। हेलो, बोलो खुशी। हेलो भैया। हाँ बोलो भैया, आप जल्दी घर पर आ जाइए। क्या हुआ भैया? कुछ मत पूछिए प्लीज, जल्दी घर आइए। अच्छा मैं तुम्हें ये सब लेकर जाने नहीं दूंगी। अरे पागल हो गए क्या तुम? घर का सारा सामान इस गुरुजी के हवाले कर रहे हो, इस ढोंगे के? ये लड़की ढोंगी मत बोल, नहीं तो श्राप दे दूंगा। अरे श्राप तो मैं तुझे दूंगी टकले बुड्ढे। देखो नागेश ये तो ढोंगी है, तुम तो मेरे अपने हो।
जब मैं अपने सगे बाप का नहीं हूँ तेरा क्या हूँगा। हट जा मेरे रास्ते से। मैं नहीं हटूंगी। हट जा मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी। चल ना चल। खुशी, ये सब क्या हो रहा है? भैया, भैया ये कमीना, घर की सारी चूड़ी और कैश लेकर भाग रहा है। कुछ करो भैया, कुछ करो। दिखा दी ना तूने अपनी औकात? बाबूजी बिल्कुल सही कहते थे, नाग है तू, नाग। नाग होगा तेरा। मुझसे पंगा साले करता हूँ तेरे को नंगा। पापा के पैसे, ईमानदारी के पैसे, पापा के पैसे। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। पापा के पैसे। लेके जाइए इसे अपने साथ इंस्पेक्टर साहब, सारे घर की सफाई करने आया था, अब पुलिस थाने में पुलिस तेरी सफाई करेगी। चलो पीरामल बाबा, चलो। ये पीरामल बाबा, इन्हें भी लेके जाइए, ये इनके खास हैं। इन्हें तो हिंदुस्तान की सारी पुलिस ढूंढ रही है। मिस्टर प्रताप, आपने बहुत अच्छा काम किया है। ए, भाग दो इनको। पीरामल बाबा, पापा के पैसे, ईमानदारी के पैसे। बाबा के पैसे, ईमानदारी के पैसे। अरे बाबा, तेरी वजह से मैं घर से बेघर हो गया। बाबा के पैसे, ईमानदारी के पैसे। बाबा के पैसे, ईमानदारी के पैसे, क्या बोलता है तू? फ्रॉड बाबा, ये फ्रॉड, टोटल फ्रॉड। मुझे घर से बेघर करने वाला ये, इसकी वजह से मुझे जेल हो रही है। बाबा चल, जा जा, छोड़ो, ईमानदारी के पैसे, ईमानदारी। अरे छोड़ो, छोड़ो, अरे गिर। बुद्धू साईं, जब तक तुम्हारे पिताजी थे ना, तो उसके व्यवहार में कभी कमी नहीं आई। उसके जाने के बाद तो तुम मेरा एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। आज मुझे पैसा खपन, आज मैं खाली आज जाने वाला नहीं। जय झूले लाल, जय झूले लाल। कुछ तो मिला, हिसाब में कट कर दूंगा। अच्छा, जब भी मकान बेचना है ना, सबसे पहले मुझे याद रखना। मैं नोटों का बंडल लेके आऊंगा, बंडल। लड्डू, मुझे मीठा नहीं भाता। भाएगा तब जब तू खाएगी। सही कह रही हो मौसी। तू भी खा। मीरा, भाभी, भाभी आ। अरे आप यहाँ? What a surprise! प्रेम, आप भाभी हैं और बड़ी भाभी का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। सही है बेटा, बिल्कुल सही है। संस्कार तो यही है हमारे। जो 8 साल में पोता नहीं दे सकी, वो क्या आशीर्वाद देगी? अपनी औलाद तो खा गई है। बस माँ जी, बस।
इतने सालों में तो पत्थर भी पिघल जाता है। जिस तरह से आप रानी भाभी को सुना रही हैं, उसी तरह से कोई खुशी दीदी को कहे तो। मीरा, यही तो फर्क होता है बहू और बेटी में। वैसे माँ जी, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार आप भी हैं। अगर मुझ पर यकीन नहीं आता ना, तो डॉक्टर को जाकर पूछिए किसकी वजह क्या थी। आपके गुरुदेव कहाँ वन? सच कह रही है बहू, बिल्कुल सच कह रही है। जिसे तू भगवान समझती है ना शांति, दरअसल वो भगवान नहीं, राक्षस है। राक्षस समझी? उसी की वजह से सारा घर बर्बाद हुआ है, और ये बात तू बहुत अच्छी तरह से जानती थी। जानती थी ना जी? खुश रहे बहू। अच्छा किया बहू तू आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। भाभी, भैया कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम मतलब? मुझे जब डॉक्टर ने खबर दी तब मैंने सोच लिया था कि अब दोबारा उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी, इसलिए मैं हॉस्पिटल से सीधा अपनी मम्मी के घर चली गई और वहां से यहाँ आई मीरा से कुछ मांग ले। जी भाभी बोलिए ना। मीरा, कोई भी औरत औलाद के बिना अधूरी होती है, और मुझे डॉक्टर ने कह दिया है कि मेरी कभी औलाद नहीं हो सकती। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, मुझे अपना पहला बच्चा दे देना, दोगी ना मीरा? दोगी ना? बस इतनी सी बात भाभी, अगर आपने मेरी जान भी मांगी होती ना तो मैं वो भी दे देती, और फिर बच्चा आपका हो या मेरा, होगा तो इस घर का चिराग ही ना। और मुझे अपने श्याम बाबा पे पूरा भरोसा है, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। करनी से कोई ना बच पाए, एसोसिएशन की पेपर से अभी तो गाड़ी निकल गई है, मैं बात करता हूँ। करनी से कोई ना बच पाए, तेरे कर्म तेरे आगे आए, तकदीर बदल देगा तेरे। आज के बाद से उल्टी गिनती शुरू हो गई आपकी। तकदीर बदल देगा तेरी, तू और घड़ी ना कर देरी, फिर दर्द तू सारे कह दे दयालु बाबा श्याम से, फिर दर्द तू सारे कह दे दयालु बाबा श्याम से। भैया, भैया क्या हुआ? भैया, 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 भैया संभाल अपने आप को, भैया। अब क्या संभालू खुशी, क्या संभालू? अब संभालने लायक कुछ बचा ही नहीं। मैंने खुद अपने हाथों से, अपने इन हाथों से अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, छोड़ दो मुझे, मुझे भी मार दीजिए भैया, मुझे भी मार दीजिए, मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इस बर्बादी में मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। प्रताप बेटा, बहुजी, तेरे आंसू ने तेरे पाप धो दिए बेटा। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। देख कौन आया तुझसे मिलने। भैया प्रेम,
मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ। ये क्या कर रहे भैया? राम ने कभी लक्ष्मण के पैर नहीं छुए। मैं राम नहीं हूँ, मैं रावण हूँ। नहीं भैया नहीं, इस कलयुग का रावण हूँ मैं। नहीं, हर रिश्ते को मैंने ताक पर रख दिया था। अरे अंधा हो गया था मैं, अंधा। इसलिए देखना, मेरी जिंदगी मुझसे लूट के चली गई। सबसे बड़ा गुनहगार मैं अपनी माँ का हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा। उस पर मैंने हाथ उठाया। इसलिए शायद ऊपर वाले ने इतनी बड़ी सजा मुझे दी है। मेरी पत्नी मुझे छोड़ के न जाने कहाँ चली गई। प्रताप, कभी राम और सीता भी अलग हुए हैं? मैं कहीं नहीं गई थी प्रताप, आपके ही लक्ष्मण के घर पर थी। तब अग्नि परीक्षा सीता को देनी पड़ी थी, अब आपकी परीक्षा है। आपने तो सारे रिश्तों को ताक पर रख दिया था। मैं क्या करती, कहां जाती? चलो भैया, अब आप भी चलिए, संभालिए अपनी जिम्मेदारी। घाटू वाले श्याम बाबा की कृपा से हमारी सारी खुशियां लौट आई है। काटू बाबा का नाम पे दे दे, बाबा का नाम पे दे दे, दे दे, काटू बाबा का नाम पे दे दे, काटू बाबा का नाम पे दे दे, काटू बाबा का नाम पे दे। कुंवर जी, आप ये क्या हो गया आपको? किसने आपकी ये हालत बनाई है? ये तो मेरी कर्मियों का फल है। बुराई का अंत बुरा होता है, ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। ये तो श्याम बाबा की कृपा है कि मैं बच गया। पश्चाताप करने वालों को तो भगवान भी माफ कर देता है। आओ मेरे साथ, आओ आओ मेरे साथ। बेटा, ये खाटू का वो स्थान है जहां श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था। ये इसके बारे में कहते हैं कि इस कुंड में कोई भी कुष्ठ या कोई भी बीमार इसके अंदर स्नान कर लेता है तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम श्याम बाबा की शरण में आए। जाओ इस कुंड में स्नान कर लो और देख लो उनका चमत्कार। लाओ इसे मुझे दे दो। हिम्मत रखो। मैं ये तो चमत्कार हो गया। खाटू नरेश की जय। श्याम सरकार की जय। श्याम बाबा की जय। श्याम प्यारे की जय। श्याम प्रभु की जय। श्याम सरकार की जय। भक्तों के सरकार की जय। सच्चे दरबार की जय। हारे के सहारे की जय। खाटू नरेश की जय।
देखो बेटा कौन आया है। नागेश जीजा जी, ये श्याम बाबा का चमत्कार ही है जो तुम इसे देख रहे हो। नागेश ने अपनी आप बीती मुझे खुद सुना दी, इसे अपने गुनाहों की सजा मिल चुकी है। बेटा जब खाटू श्याम बाबा जी ने ही इसे माफ कर दिया तो मैं समझता हूं कि तुम दोनों को भी इसे माफ कर देना चाहिए। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जीजा जी? आप अब बाबा जी के शरण में हो और वैसे भी मैं अब आपकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देख रहा हूं। ये श्याम बाबा की कृपा, कहते हैं कि क्षमा मांगने वाले से ज्यादा बड़ा क्षमा करने वाला होता है। देखा प्रेम श्याम बाबा की लीला, उन्होंने हमारे घर की वापस सारी खुशियां लौटा दी। श्याम बाबा की जय। आओ बेटा आओ, तुम लोग आओ। अब चलिए मैं आती हूँ। बाबा आपने तो बिना मांगे मेरी झोली में सारी खुशियां भर दी। पहली बार मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। श्याम बाबा मेरी रानी भाभी की झोली भर दीजिए, प्लीज उनकी गोद भर दीजिए। श्याम बाबा आप तो आर्य का सहारा है ना, सबकी सुनते, मेरी मनोकामना भी पूरी कर दीजिए। चलो कहाँ? अंदर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं ये चेहरा किसी को दिखाने का लायक नहीं रहा। मुझे बाबा की शरण में रहने दो। खाटू वाले श्याम बाबा की कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। बधाई हो बधाई जी, शुभ घड़ी आई, लेके बलैया सासू जी मुस्कुराई। बधाई हो बधाई जी, शुभ घड़ी आई, लेके बलैया सासू जी मुस्कुराई। श्याम जी तेरी मुरादे करे पूरी, बालक बिना तो है औरत अधूरी। तू दुनहा पुतो फंडरी दुनहा।